हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। मैं रुपेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने जो पिछले सेमेस्टर्स हैं 1 to 6 सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड पे और कुछ हद तक आई थिंक 60 to 70% ऑफ होल सिलेबस हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप भी किया था। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि न्यूज़ में आपकी DDU की बात करें या कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो इन्होंने ऑड सेमेस्टर्स को, यानी सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 3 एंड सेमेस्टर नंबर 5 को, इन तीनों को डिस्क्रिप्टिव वे में लेने को सोचा है। एग्ज़ामिनेशन अब ये लोग डिस्क्रिप्टिव वे में लेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। बाकी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो हमारा सेमेस्टर है वो MCQ बेस्ड ही रहेगा। ये BSc की बात हो रही है आपकी, ठीक है। लेकिन जब आप MSc करते हैं फर्दर, जो आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग MSc करेंगे वो टोटल क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे ही होगा, ठीक है। वो तो ठीक, अच्छी बात है। पहले पूरा MCQ था, और आपको सच्ची बताया जाए MCQ के बेसिस पे किसी के नॉलेज का कितनी नॉलेज है, एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता, परीक्षण नहीं हो पाता कि सामने वाले को कितना आता है। बिकॉज एट द केस ऑफ यू नो एट द केस ऑफ MCQ आपके सिर्फ और सिर्फ, आप तो शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा लेते हो, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उसका जो मेन मोटो होता है आपके अंदर की एक एकेडमिक लेवल ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ यू नो एकेडमिक नॉलेज पता करना होता है, एकेडमिक लेवल के लेवल पर, तो उसमें तो आपको लिखना ही सीखना होता है। हाँ, कंपटीशन की बात आई तो 12th के साथ साथ IIT JEE और ग्रेजुएशन के साथ साथ IIT JAM, ये सब तो कंपटीशन लेवल हो गया। तो भाई BSc लेवल पे आपको सीखना क्या चाहिए, लिखने का तरीका, ठीक है, तो वो एकेडमिक होता है। तो ये कुछ एक अच्छा, मुझे लगता है एक अच्छा इन्होंने यू नो कदम अच्छा उठाया है। कुछ बच्चे से परेशान भी होंगे, सर वही रहना चाहिए, लेकिन बच्चों एक बार बात सुनिए कि अगर ये MCQ ही रहता तो आपका BSc पढ़ने का पर्पस और फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब आप इसे डिस्क्रिप्टिव लेवल पे पढ़ते हो तो यू नो दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट और रियल द प्रूफ बिहाइंड द प्रोसेस, और जो आप टॉपिक पढ़ रहे होते हो उसकी रियल अप्रोच आपको समझ में आती है। प्योर मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो और आपको उसको डिस्क्रिप्टिव वे पे आपने नहीं पढ़ा तो दैट मीन्स कि आपको मज़ा नहीं आने वाली है, आगे चल के आप कहीं ना कहीं फंसने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें थी, अभी रिसेंट में ये बात हुई है, ठीक है, तो शेयर करना ज़रूरी था। मैंने वैसे टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिए, इतने लोग नए हैं दे मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम, सो दैट कि अभी जितने भी डिस्क्रिप्टिव है बच्चों, ये डिस्क्रिप्टिव जो आपको मिलेंगे, जो मैं कंसेप्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ, कंसेप्ट कराऊंगा, प्लस जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नॉट इन शॉर्ट ट्रिक्स। अब शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट आंसर MCQ के लिए होता था, अब तो 1st और 3rd और 5th में जो भी आपकी बुक्स हैं, लाइक पहली बुक का नेम मैंने लिख रखा है, वो अगर आप जैसे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, लाइक आप तैयारी करते होंगे IIT JAM, अगर वो सिलेबस में आपके है तो उसे आप देख सकते हैं। वैसे है, डिफरेंशियल कैलकुलस का है पार्ट उसमें। उसके बाद जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना, TGT की बात कर रहा हूँ मैं, एंड PGT की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी हद तक आता है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं जो मैंने MCQs में ऐड करा है, जो पहले से MCQ मैंने पढ़ा रखा है, वो आपके कंपटीशन में हेल्प करेगा, वो कभी ना कभी हेल्प करेगा ही आपका। मतलब अभी तो आप पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, फिर आप जब तैयारी करेंगे तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आप जब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो जितना भी डिस्क्रिप्टिव हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के जो PDF बनेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन वाले भी और जो बन सकते हैं वो भी। और वीडियो जैसे अपलोड होता है बच्चों, वीडियो का जो लिंक होगा वो आपका टेलीग्राम पे पड़ जाएगा, और वीडियो के साथ साथ एक डिजिटल PDF भी होता है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वही PDF के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट विल बी मेड अवेलेबल टू द सेम, मतलब कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट बुक है, दैट इज़ विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट,
इज डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसका जो सिलेबस है या पूरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे से बता रखा है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, पूरे अच्छे से कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये इसका मैं ये हमेशा से यही चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, लिमिट एंड क्वान्टिटी, क्योंकि ये 12th से रिलेट करता है, ठीक है, 12th से रिलेट करता है और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं उन्हें ये मिल जाता है, ठीक है, समझ में आने लगती है बातें कि मैं वहीं से ही रिलेट करता हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम भी हो गया, 9th 10th को पहले पढ़ा है, अब तो 9th 10th 3-4 साल से बंद है, देन साथ ही साथ इंटर भी चल रहा था, इंटरमीडिएट भी पढ़ाया मैंने, फिर ग्रेजुएशन भी पढ़ाया। आई थिंक इट हैज़ बीन 8 to 9 ईयर्स कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12th की चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं ग्रेजुएशन से, 9th 10th की चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं 11th 12th से, और ये सारी चीज़ें जो ग्रेजुएशन में आती हैं तो वो किस तरीके से ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ते हैं। एंड एक चीज़ और मैं साथ में ऐड करता चलूँगा कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो बीएससी की के साथ साथ जो लोग बीएड करके अपनी टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपका, थोड़ा सा समय लूँगा, आप अपने उन फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो जो लोग पास कर चुके हैं या फिर जो लोग हु आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर यू नो लेक्चरर एग्जामिनेशन, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं 9th 10th को टीजीटी यानी ट्रेन के जो टीचर बनना चाहते हैं, या 11th 12th को पढ़ाना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्हें लेक्चरर बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये मैं वीडियो कस्टमाइज कर रहा हूँ जो कि बीएससी के लिए भी हेल्पफुल होगी और इक्वली इट विल बी हेल्पफुल फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में तो केवल एमसीक्यू बेस्ड आता है, ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज जिन्हें जीआईसी बोला जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसके एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव आता है, ठीक है, और हो सकता है ये भी कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो ये वीडियोस इनके लिए भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो शॉर्ट्स मिलेंगे वो आपको ज़्यादातर केसेस के जीआईसी या फिर टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यू के शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे जो ट्रिक्स पे बेस्ड होंगे, ठीक, टोटली ट्रिक्स पे बेस्ड होंगे क्योंकि उस पर वही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जीआईसी में प्री मेंस होता है, प्री में एमसीक्यू आते हैं और मेंस में हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बतानी थी और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी चैप्टर है जहाँ तक मैं ले दिमाग में ले पा रहा हूँ कि उनके टॉपिक्स का हेडिंग होगा जिससे कि, और जो हमारा थंबनेल है उसमें भी होगा और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी वो लिखा होगा जिससे कि आप प्रॉपरली कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सको, ठीक है। बातें बहुत हो गई, अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको आज निचोड़ देता हूँ, चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट बताऊंगा भाई, वीडियो में कितना बता सकता हूँ, उसका जो लिखने का अंदाज़ होगा वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आराम से जा करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी, और इसे जितना हो सके उसे शेयर करिएगा, आपको सब कुछ बहुत ही इजीली वे में प्रोवाइडेड होगा, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, मान लो आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया एंड यू डिडन गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन और वट एवर द मेथड इज गोइंग टू बी हेल्ड बिहाइंड द आंसर, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप टेलीग्राम इसीलिए ज्वाइन करने वाले हो, टेलीग्राम के साथ साथ एक कन्वर्सेशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन करके यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन इन टू दैट कन्वर्सेशन ग्रुप एंड यू कैन गेट सोल्यूशन ऑफ दैट सेम अगले अगले ही यू नो अगले वीडियो से पहले या एक आध दो दिन में आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहली बात क्या है, लिमिट्स को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ आपके सामने, ओके। देखिए लिमिट के नाम में ही उसका आंसर है, लिमिट का मतलब होता है दायरा, ठीक है। हिंदी में और भी लोग चैप्टर पे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान थे कि कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ तो मुझे कैसे, मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, आंसर कैसे राइट करूंगा, एमसीक्यू होता तो हो जाता। तो कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए
किसी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया ही होता है। आप केवल सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे बीएससी नहीं करते, बहुत सारे बच्चे, बल्कि सीबीएसई बोर्ड से ज़्यादा बच्चे यूपी बोर्ड के ही होते हैं जो बीएससी में आपको मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर पावर होती है सीबीएसई वालों से ज़्यादा, ज़्यादा चीज़ों को सहने की, ज़्यादा चीज़ों को सीखने की एक एबिलिटी होती है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि आपको क्लास 11-12 से ऐड करके, समझा करके, सिंपल भाषा में आंसर दिया जाए, जिससे कि आप बहुत ही आराम से मैथमेटिक्स को लिख सके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो लिमिट्स का मीनिंग है दायरा। दायरा क्या होता है? दायरा कुछ ऐसा, आप एक समझ लो कि लक्ष्मण रेखा जब बनाई गई थी तो माता सीता को ये बोला गया था कि आपको इस दायरे के अंदर रहना है ना। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि वो चल करके एकदम लास्ट पॉइंट तक जाकर के खड़ी हो सकती थी, ठीक है, वो चल करके लास्ट पॉइंट पे जाके खड़ी हो सकती थी, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से बाहर जाती, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आती हल्का सा, लेट से यहाँ पे आ जाती, तुरंत वो रेखा जो थी उससे वो पार कर चुकी थी अगर वो बाहर जाती, तो वहाँ पे क्या हो जाता? दायरा ख़त्म, यानी लिमिट ख़त्म। आई बात समझ में? तो ये उनका दायरा सेफ्टी का दायरा था, और जैसे वो बाहर निकली, सेफ्टी का दायरा ख़त्म। तो इसलिए आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल सा, लेट से मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ज़्यादातर यही होता है, यही एग्जाम्पल लिया जाता है कुछ इस तरीके से, और आपसे कहा जाए ज़रा चेक कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू टू पे कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा। तो आप क्या करने वाले हो? मैं लिमिट का मतलब समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है, वही समझा रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए चलो भैया इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाने को सोचोगे तो ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि भाई एक्स की वैल्यूज आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करते चले जाओ और आंसर आता जाएगा, ठीक है, वो तो हम ग्राफ बना लेंगे। लेकिन ये एक्स इज इक्वल टू टू की जो बात आ रही है बच्चों, वो क्या करेगा? तो चलो चलते हैं, रख के देखते हैं। तो आपने क्या किया भाई, चलो ठीक है रखते हैं, टू रखते हैं, तो क्या हुआ? टू स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू। तो आप जैसे देखोगे तो फोर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो। ये कैसा हो गया? ये एक ऐसी फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसका अभी तक कोई वैल्यू नहीं दे पाया है, या कोई वैल्यू अभी इसकी डिफाइंड नहीं है। तो इससे बचने के तरीके हैं, इससे बचने के तरीके क्या हैं? ये टू पे ही दिक्कत कर रहा है या और कहीं भी दिक्कत करेगा? तो बच्चों ये सिर्फ टू पे दिक्कत कर रहा है, और कहीं पे दिक्कत ये नहीं करेगा। और देखिए कहाँ तक दिक्कत नहीं करेगा, जैसा मैंने बताया है कि ये आप, ये जो लक्ष्मण रेखा थी उसके एकदम पास पे भी जाके वो खड़ी रहती अगर माता सीता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो टू पे गई, तो भाई टू पे गई, अब क्या है? खतरा शुरू, क्योंकि भाई अगर वो हल्का सा उधर चले गई तो फिर दिक्कत है ना, मतलब बाहर निकलने की, अगर हल्के सी बाहर निकली तो खतरा वहीं से शुरू हो गया। तो अब हम समझाते हैं आपको कि अगर वो लाइन से थोड़ा सा पीछे रहती, मतलब अगर हम टू से थोड़ा सा पीछे रहे, दैट मीन्स कि अगर हम एक्स की वैल्यू 1.999 की, और सारे नाइन लगा लो, ढेर सारे नाइन लगा लो, मान लो और सारे नाइन लगा दे, ये अभी भी क्या है? लेस देन टू है कि नहीं? तो लेस देन टू अगर है, इसे आप अब पुट करोगे तो ये एकदम कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप इसे सिंपली रख करके देख सकते हो। कैसे देख लो भाई? आपने रखा एफ ऑफ 1. मैं 2 ही 9 कर लेता हूँ, ठीक है, 1.29 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 1.99 का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन 1.99 माइनस टू। थोड़ी सी राइटिंग का इशू रहेगा आपको, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है बच्चों, ऑनेस्टली। ओके, 1.99 का स्क्वायर ऑलमोस्ट लिख देता हूँ, लगभग मैं लिख देता हूँ, तो कितना होगा भाई? 1.99 का स्क्वायर 4 से तो कम ही होगा, तो आप 4 में से माइनस करोगे तो समथिंग, आई थिंक, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 19 का स्क्वायर, 19 में 9 ऐड कीजिए, 28 हो गया, उसे 280 लिख दीजिए, और 9 9 81, यानी 281 और 80, 361, ऑलमोस्ट 361 होगा, है कि नहीं? 361 और समथिंग और होगा, तो ये लगभग 3.61 आएगा,
और ये माइनस फोर डिवाइडेड बाई, ऑलमोस्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसे करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो अब जरा सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये 1.992 के कितना करीब है, उतना ही करीब जितना ये लक्ष्मण रेखा से जस्ट बगल में खड़े हो जाए अगर हम जा करके। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर हम 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर रखते, बाई चांस मान लेते हैं x की वैल्यू 2.00001 रखते, तो भी ये इनडिटर्मिनेट नहीं बनता। तो यानी इस फंक्शन की लिमिट यानी उसका दायरा क्या है? 2 है, 2 पे दिक्कत कर रहा है ना? बात समझ में आई? उसके अगल बगल दिक्कत नहीं कर रहा है, ये बात समझ में आ रही ना? अब देखिए इस दायरे को पहचानते कैसे हैं? आपको ज़्यादातर केसों में बच्चों वहाँ देखना होता है जहाँ से वैल्यू अनडिफाइंड बनने वाली हो। तो अगर ये चीज़ हम लोग पहले भी देखते, ये बात अगर नहीं भी दी होती, अगर सिर्फ ये बात दी होती, मतलब आपसे पूछता है किसकी लिमिट कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे हमको चेक करना चाहिए, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर देखिएगा। डिनोमिनेटर हर केस में, मैक्सिमम केसेस में कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वही दिक्कत करता है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक। तो जब ये बात समझ में आई कि x इज इक्वल टू 2 पर वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा कुछ भी बनेगा, ऐसा कुछ भी बनेगा मतलब, ऐसा कुछ भी बनेगा मतलब ये है कि अगर बाई चांस जैसे 0/0 बना, ठीक है, ऐसा ही कुछ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए या 0 × ∞ बन जाए, ऐसे 7 फॉर्म्स हैं, ठीक है, और इसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या फिर 1/∞ बन जाए, या फिर 0/0 बन जाए, या फिर इन्फिनिटी पावर 0 बन जाए। ये क्या है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, 7 इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। ये क्लास 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वहीं से यहाँ पे आया है, ठीक। बस यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अलग होगा, यहाँ पे हमें सारे प्रूफ्स पढ़ने होंगे, वहाँ पे प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सिंपल समझ में आ जाता था, ठीक। अब मेरी बात समझिए, तो इनसे बचने के लिए हम लोग लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में लिमिट जो वर्ड था, अगर हमसे कहा जाता कि लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखनी है अपने को, तो ये कैसे डिफाइंड होगा? देखिए हमें ये करना है, फंक्शन हमारे पास है, हमने देखा कि भाई 2 पर वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट लिख लगा दी हमने एक्स टेंडिंग टू 2, फंक्शन पे लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, फंक्शन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं रखनी है, वैल्यू लिमिट की सबसे लास्ट में रखी जाती है, मतलब ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ये सबसे लास्ट में अभी पुट किया जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको देखें अगर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है, और डिवाइड में एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ कितना रहा है अब हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, मतलब ये हम 2 की वैल्यू रख नहीं रहे हैं, ठीक है, और ये आया एक्स प्लस 2। अब अगर आप वैल्यू रखेंगे, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट कितना है 2, तो 2 रख दीजिए, 2 + 2 = 4, मतलब 2 के आस पास एकदम पास में पहुंचना है अगर आपको, 2 पर नहीं जाना है। ये क्या वैल्यू आ रही है, 4 कैसे आ रही है, 2 के एकदम इतना पास पहुंचना है, क्या आप पहुंच सकते हैं? क्या आप एक इतनी सबसे पास की वैल्यू 2 के लेफ्ट यानी 1.999 करके, या फिर 2 के राइट 2.00001 करके, है ना, 2 के लेफ्ट या 2 के राइट अगर आप इतने पास चले जाएं, समझ रहे ना मेरी बात को, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है उस पर 2 यहाँ पे है, आप इधर से पास में चले जाएं या इधर से पास में आ जाएं, इतनी सबसे करीबी वैल्यू एक्स की आप निकाल पाएं, तो वो जो भी करीबी वैल्यू होगी वो फंक्शन में रखने पर वैल्यू ये देगा बड़ी से बड़ी, ठीक है, इससे बड़ी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इससे बड़ी कोशिश करेंगे ना आप या इससे छोटी कोशिश करेंगे ना, तो आप उस समय x इज इक्वल टू 2 पे जा रहे होंगे, पहुंच चुके होंगे। तो यानी लिमिट क्या आंसर देता है, सबसे पास की वैल्यू, वो पास की वैल्यू जिसकी वजह से हम
इन सातों में से किसी में नहीं आते, मतलब ये हमें बचा लेता है, हम इतना इतना लिमिट रख सकते हैं। मतलब वही ना कि आपसे कहा जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आप क्या शैतानी दिमाग, आप लोग शैतान भी हो, आप क्या करते हो, घर की दहलीज पे यानी सीमा यानी लिमिट पे जाके खड़े हो जाते हो। ठीक है, आप बोलते हो कि ठीक है मुझे बाहर नहीं जाना ना, मैं यहाँ पे एकदम लाइन पे खड़ा रहूँगा, शैतानी दिमाग चिढ़ाने के लिए कि मैं यहाँ तो खड़ा रहूँगा, आपने कहा ना मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, है ना। जैसे भैया लोग बोल देते हैं कि बाइक पे हाथ मत रख देना मेरे, यू नो दैट, भाई जो बड़े भाई होते बोल देते हैं। तो आप क्या बोलते हो कि ठीक है हाथ नहीं रखना है ना, चला तो सकते हैं, यू नो, शैतानी वाली आदत, मैं ऐसा नहीं करते फिलहाल। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है जो हम लोग को प्रूफ में यूज़ करनी है या कुछ वैसा ही, ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसको प्रूफ आगे हमें क्या क्या करना है। देखिए तो डेफिनेशन क्या हुई भाई, डेफिनेशन ये हुई कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इफ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड, नेबरहुड जो बड़ी सी स्पेलिंग उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑफ अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये एक्स इज इक्वल टू ए वही है एक्स इज इक्वल टू टू जो मैंने एग्जाम्पल समझाया, एक्स इज इक्वल टू टू पे वो 0.0 बन रहा था जो कि हमें नहीं चाहिए था, तो हमें टू के आसपास, आसपास मतलब लेफ्ट से जाते तो 1.99, राइट से आते तो 2.001, तो वो उसका क्या है, आसपास मतलब नेबरहुड है, इसीलिए इसने नेबरहुड लिख रखा है, आ रही बात समझ में, इसीलिए ये नेबरहुड लिख रखा है, बात क्लियर है। अगर ये इसमें डिफाइंड है, तो अगर हम मान लेते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देन अ रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट, इज कॉल्ड लिमिट, उसे लिमिट तब कहते हैं ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, व्हेन। अब देखिए उसे लिमिट तब कहते हैं जब दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एप्साइलन और डेल, और ये दोनों के दोनों बहुत ही करीब हैं जीरो के, मान लेते हैं। अब ये इतना करीब क्यों जा रहे हैं भाई, बड़ी सिंपल सी, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ कि टू के करीब जाना है लेफ्ट से और राइट से भी, ठीक। अब टू के करीब जाना है तो जब आप टू के करीब जाएंगे तो आप एक्स की वैल्यू के बारे में सोच रहे होंगे, भाई एक्स की वैल्यू देखते कितनी करीब ले जाती है, तो एक्स की वैल्यू में से हम उस ए को माइनस कर देंगे, मतलब हम यहाँ पे अगर बगल में सोच रहे हैं तो एक्स की वैल्यू सोच रहे हैं और यही हमारा ए है, उसे हम माइनस कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं तो भाई लेफ्ट से जाओगे तो साइड से बातें नेगेटिव आएगी वैल्यू, और राइट से जाओगे तो पॉजिटिव आएगी, मतलब 2.001 से 2 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1.99 से 2 को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो हम एक काम कर रहे हैं दोनों का मॉड ले ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, और ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा आना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा आना चाहिए बट बहुत छोटा आना चाहिए। तो हम लोग एक्स के केस में ये वाला वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और वाई के केस में मतलब जो एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो फंक्शन में वाई की वैल्यू देगा, तो ये क्या होना चाहिए, डेल से छोटा आना चाहिए। अब डेल भी बहुत क्लोज है जीरो के, और आप जब घटा रहे हो तो बहुत क्लोज पहुंच जा रहे हो, इसलिए तो बोला कि नेबरहुड, आपका नेबरहुड आपका पास पड़ोस वही होता है जो आपके मोहल्ले के अगल बगल मकान है। अब ये कहो कि अगली गली में पता करो कि अगली गली में हमारा पास पड़ोस है कि नहीं, नहीं है, हो सकता है अगली गली वाले आपको बहुत ही कम जानते हो, आपका नाम तक ना जानते हो, ठीक है, कुछ वैसा ही। तो एक्स की वैल्यू हमारी इतनी छोटी होनी चाहिए कि ए से माइनस करने के बाद वो डेल से भी छोटी आनी चाहिए, और डेल खुद भी एक छोटा वैल्यू है। जब आपने एक्स को सेलेक्ट कर लिया, मान लेते कोई भी एक बहुत छोटा एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में जब आप एफ एक्स में वो उठा करके रखते हो तो एक नंबर माइनस होता है, और वो नंबर भी क्या होगा, जीरो और एप्सिलॉन के बीच में होना चाहिए,
ठीक है, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो उन दोनों सबसे पास में होना चाहिए। ठीक, अगर आप फंक्शन की वैल्यू सोच रहे हो 2 पे, ठीक, मेरी बात ध्यान सुने आप, मैंने क्या अभी पीछे समझाया था कि जो 4 आया था वो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर वो सबसे बड़ी वैल्यू है और 2 के पास है, तो 2 पर फंक्शन तो भाई जो भी होगा सो होगा ही, और उसके एकदम पास में पहुंच करके हमने एक वैल्यू निकाली, उसका नाम हमने एल रखा, और उस एल को हमने फंक्शन में से माइनस कर दिया। ठीक, मान लो एफ ऑफ 2 है, यहाँ पे पहुंचे तो एफ ऑफ 2 आया, जो कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डिफाइंड नहीं है, और एक हमने बहुत पास की वैल्यू निकाली, दोनों को घटाया तो वो इतना छोटा आ रहा है कि जो एप्सिलॉन के एप्सिलॉन से भी छोटा आ रहा है, और एप्सिलॉन भी बहुत करीब है 0 के। तो आप ये समझो, जो लिमिट की वैल्यू अगर हम एफ एक्स में से एल को घटा रहे हैं, वो इतनी इतनी बड़ी है वैल्यू, जो एफ एक्स यानी 2 पे खड़े होने के बाद एफ 2 जो निकलता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन लगभग 0 के बराबर आता है। सही बात है, आपको एफ एक्स की एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना, जो यहाँ पे 2 के पास आए, तो 2 पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि उस पे वो क्या दे दे रहा था, 0/0 दे दे रहा था। तो हम इतना करीब गए, एक्स की वैल्यू को बहुत करीब लेके आए, जिससे कि वाई भी क्या हो जाए, बहुत करीब हो जाए। बात समझ में आ रही, करीब होना चाहिए। तो ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट और ये उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई, ये इसकी डेफिनेशन है। आपको ये एग्जामिनेशन में भी अगर सब्जेक्टिव टाइप हो रहा है तो ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, आप इसको कुल मिला करके ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इतने मटेरियल को लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो टेंड कर रहा है एल की तरफ, एज जैसे एक्स जो है वो हमारा ए की तरफ टेंड कर रहा है। इस एरो को क्या बोलते हैं, टेंडिंग टू बोलते हैं, टेंड्स टू। ठीक है, टेंड मतलब ही होता है पहुंचना, अप्रोच करना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, चलिए कुछ नोट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए नोट क्या है, छोटी छोटी बातें हैं कि कब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी या क्या कब हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे या क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, तो जब आपका जो x माइनस ए लिखा हुआ है 0 से ग्रेटर एंड दिस, जब ये लिखा होता है तो इसे आप ट्रांसफॉर्म करके ये भी लिख सकते हो। क्या समझिए, क्या देखिए, x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो वो क्या होगा, a माइनस डेल से a प्लस डेल। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब मॉड हटता है, मॉड हटता है तो प्लस और माइनस आता है। ठीक, प्लस और माइनस आएगा तो जब डेल से ये छोटा है तो एक बारी नेगेटिव यहाँ पे भी ट्रांसफर हो सकता है, एक बार इधर भी ट्रांसफर हो सकता है। आधी बात समझ में? आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक लाइन में समझाई देता हूँ, मॉड हटा तो प्लस माइनस आ गया, ठीक है, लेस देन डेल हो गया। एक बार जब आप प्लस वाला ले रहे होगे, एक बार जब माइनस वाला ले रहे होगे, तो जब आप प्लस वाला ले रहे होगे ऐसे लिख रहे होगे, लेट से प्लस वाला तो लिखा भी नहीं जाता, मतलब ऐसे समझ लो दिस वन, अब ए को राइट में हम भेज दें अगर, तो डेल प्लस ए या ए प्लस डेल कह सकते हो, तो देखिए ये वाला बन गया। ठीक, और अगर आप माइनस वाला साइन लेते हो, माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल, तो अगर माइनस अगर इधर इधर से इधर आप भेज रहे हो, आपको पता है क्लास 11th में सीखा गया है कि, या फिर वैसे चलो बता देता हूँ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब ए को उधर भेजें तो एक्स ग्रेटर देन ए प्लस डेल, ए माइनस डेल, सॉरी ए माइनस डेल। ठीक है, तो देखिए एक्स इज ग्रेटर देन ए माइनस डेल, बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है जो मैंने नीचे लिखा है, समझा इसलिए दिया कि आपके दिमाग में रहे, नोट्स में आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट इसका देख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं समझने वाले। ठीक है ना, अब ऐसे जब ये लिखा हुआ है तो आप उसकी जो हमारे एफ एक्स इज इक्वल टू करके लिखा हुआ उसे भी तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम मतलब ऐसे लिखा है ना, एफ एक्स माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए माइनस डेल, सॉरी ए माइनस एल, ए माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आ जाएगा ना, एफ एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक, और थर्ड पॉइंट, जब हमें बाउंड कर दिया जाए या हम लोग ना प्रूव कर पाए या
ये कहा जाए कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमें क्या सफिशियंट होगा प्रूव करना? अगर आपने ये कहा कि फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल, और इससे ये प्रूव ना हो या कुछ और प्रूव हो जाए, हम लोग अभी क्या बात करते हैं, लेस देन एप्सिलॉन ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया तो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये बड़ा नहीं छोटा आना चाहिए, ठीक है, और इक्वल भी नहीं आना चाहिए। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जो इस डेफिनेशन का नाम, वैसे तो फेमस नाम है, इस डेफिनेशन का मैंने नाम नहीं बताया आपको, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन का नाम है। इसे कौन सी डेफिनेशन बोलते हैं? इसे बोलते हैं एप्साइलेंट डेल डेफिनेशन, एप्साइलेंट डेल डेफिनेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी। ठीक, अब यहाँ पे हमें जितना हो सके अपने मन से एप्साइलन को या किसी को चूज करने की स्वतंत्रता है। क्या कहना चाहता हूँ, जब आप प्रूफ की बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो एप्साइलन हमें क्या होगा, वी हैव चॉइस, चॉइसेस टू चूज, हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं, चूज एप्साइलन एंड डेल। कैसे? देखो, अगर आप कहें कि फॉर डेल ग्रेटर देन जीरो, देन अगर हमें एप्साइलन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, तो हम कोई नया डेल, अगर वो भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, डेल डैश जीरो विल ऑल्सो यू नो वर्क, ठीक है। अगर ये क्या है, मान लेते हैं अगर डेल डैश जो है वो हमारे डेल से छोटा है, तो ये बात भी वर्क करेगी उसमें। मतलब आपके पास यू नो चॉइसेस हैं इसको चूज करने के। अच्छा, इसको चूज करने के भी चॉइसेस हैं, तो एप्साइलन को भी चूज करने के चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर समटाइम्स हम इसे कैसे भी ले सकते हैं, मतलब अगर केवल मैंने एप्साइलन लिखा हुआ है, आप एप्साइलन की जगह पे आप एप्साइलन बाई टू भी, अपने हेल्प के हिसाब से, अपने प्रूफ को देखते हुए, मैं तो कहूँगा कि हम चीटिंग करते हैं एक तरीके से, क्वेश्चन को देखते हैं, चीटिंग करते हैं कि हमें कैसा लेना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीटिंग करेंगे, कभी ज़्यादा ले आ देंगे कभी कम, नहीं, वो आप हमेशा, अगर वो आना होगा तो कम ही आएगा, ज़्यादा आना होगा तो ज़्यादा ही आएगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें। ऐसे भी ले सकते हैं, अंडर रूट में भी ले सकते हैं, ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ये आप फ्री हैं चेक करने को या फ्री हैं लेने को। और मेरी बात सुनिए, ये चीज़ प्रूफ में काम आएगी, जी जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, दिस ऑल विल बी हेल्पफुल इन प्रूफ में, हेल्प करेगा हमारी, ये प्रूफ हेल्प के लिए है, ठीक है, ये बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की मैं बात बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थ्योरम करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आ सकती है, और उसके बाद हम लोग इसके यू नो क्वेश्चंस पे आएंगे, जो लॉन्ग आंसर्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो जो होगी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसे छोड़िएगा मत, एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़्यादा करिएगा, देखते हैं आप लोग कितना प्यार लुटाते हैं वीडियो पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर, रुपेश मिश्रा के साथ, थैंक यू।